अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसीसी को पढ़ते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चंद टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करते हैं। व्हाट इज कन्वेंशन? अ कन्वेंशन इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट। कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। यूएनएफसीसीसी एक कन्वेंशन है। What is protocol? Protocol is an international agreement that stands on its own but linked with the existing convention. Kyoto Protocol is an example. Protocol भी international agreement होता है लेकिन ये existing convention के साथ linked होता है। Kyoto Protocol UNFCCC के साथ linked है। What are parties? Nations that have agreed to the convention. पाकिस्तान यूएनएफसीसीसी का एक पार्टी है। लीगली बाइंडिंग मींस कंट्रीज आर एग्रीड ऑन सर्टेन प्रोटोकॉल एंड बिकम पार्टीज थ्रू रेटिफिकेशन। यूएनएफसीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान एक ट्रीटी हुई है। ये ट्रीटी किस मकसद के लिए हुई है? To address the problem of climate change. Climate change जैसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये ट्रीटी हुई है। ये ट्रीटी 1992 में हुई, लेकिन 1994 में 50 कंट्रीज ने रेटिफाई किया और 21 मार्च 1994 को एनफोर्स्ड हुई। 2007 में तकरीबन 192 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया। बैकग्राउंड ऑफ यूएनएफसीसीसी। 1979 में पहली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई। 1988 में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का कायम हुआ। 1990 में आईपीसीसी ने अपनी पहली रिपोर्ट रिलीज की। 1991 में आईएनसी की पहली मीटिंग हुई। आईएनसी स्टैंड फॉर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। फिर 1992 में यूएनएफसीसीसी एडॉप्ट हुई और 1994 में इन्फोर्स्ड हुई। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनएफसीसीसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएफसीसीसी इज टू stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere. Greenhouse gases की concentration को stabilize करना और इसको बढ़ने न देना, ये objective है UNFCCC का। ये legally non-binding treaty है, मतलब ये treaty किसी भी country पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि इस ट्रीटी को इन्फोर्स करते वक्त कोई ऐसी सजा का तरीका या इसके लिए कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था। अगरचे ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करना और ग्रीन हाउस गैसेस की हद तक पाबंदी भी लगा सकती है, लेकिन किसी भी मुल्क को इसकी खिलाफवर्जी पर सजा नहीं दे सकती। सेक्रेटेरिएट ऑफ यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी का सेक्रेटेरिएट जर्मनी के शहर बोन में है। एम ऑफ यूएनएफसीसीसी। एम क्या है यूएनएफसीसीसी का? टू सच अ लेवल शुड बी अचीव्ड विद इन अ टाइम फ्रेम सफिशिएंट टू अलाउ इकोसिस्टम्स to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened, and enable economic development to proceed in a sustainable manner. ये aim है UNFCCC का। The basic science accepted by the UNFCCC. UNFCCC ने ये तस्लीम किया कि बढ़ती हुई ग्रीनहाउस गैसेस के एहराज से एटमॉस्फेयर में इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़ब करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें इजाफा हो रहा है।
जिसकी वजह से बहुत सी एनर्जीज जो आमतौर पर स्पेस में रिफ्लेक्ट होती थी वो जमीन में पंस जाती है, जिसकी वजह से अर्थ की टेम्परेचर में इजाफा होता है और ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की जरूरत है ताकि अर्थ की टेम्परेचर ना बढ़े। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ UNFCCC आर्टिकल 2। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन एंड एनी रिलेटेड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स दैट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मे अडॉप्ट इज टू अचीव इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन। Stabilization of greenhouse gases concentration in atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within the time frame sufficient to allow ecosystem to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened, and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. अगर आर्टिकल 2 ऑफ UNFCCC को आसान अल्फाज में स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। आर्टिकल 3, द पार्टीज शुड प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ ह्यूमन काइंड on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed countries' parties should take the lead in combating climate change and the adverse effect thereof. Article 3 ko hum simple words mein bayan kare to common but differentiated responsibilities. मतलब जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, जबकि डिफरेंशिएटेड से मुराद डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए की अलग रोल होगी, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, इनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। UNFCCC के आर्टिकल 4 के मुताबिक कंट्रीज को तीन ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है NX1 कंट्रीज, दूसरा ग्रुप NX2 कंट्रीज, तीसरा ग्रुप है नॉन NX1 कंट्रीज। NX1 कंट्रीज, इसमें वो ममालिक शामिल है जो 1992 में OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मेंबर्स थे। यूरोपियन यूनियन और दूसरे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है इस ग्रुप में। लगभग 43 पार्टीज या कंट्रीज इस ग्रुप में मौजूद हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ग्रुप वन की NX1 की कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज एंड मेजर्स विद द non-legally binding aim to return their greenhouse gas emission to 1990 levels by the year 2000. NX2 countries, इसमें 24 parties है, इसमें सिर्फ European Union और OECD के ममालिक थे। इसकी responsibility ये थी to provide financial resources to enable developing countries to meet their obligations under the convention. Least developing countries, ये third group है, non-NX1 countries भी इसको कहते हैं। इसमें वो ममालिक शामिल है जो NX1 के लिस्ट में नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान। इसमें ज्यादातर least developed countries है। इसमें तकरीबन 49 ममालिक शामिल है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चूंकि ये ममालिक इकोनॉमिकली लीस्ट डेवलप है, इसलिए इनको दुगना बेनिफिट दिया गया है। एक तो इनको फंड्स मिलेंगे
फंड किस तरह मिलेंगे, कौन देगा, इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे। दूसरा, पॉलिसीज में भी इनको नरमी दी गई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, UNFCCC के आर्टिकल 7 के मुताबिक हर साल उन कंट्रीज का जिन्होंने UNFCCC को रेटिफाई किया है उन कंट्रीज का एक इजलास होगा जिसको COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। ये एक सुप्रीम बॉडी तसव्वुर होता है UNFCCC का और ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। आर्टिकल 9 ऑफ UNFCCC के मुताबिक सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस का कायम होगा। इसकी फंक्शन होगी विद टाइमली एडवाइस ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैटर्स रिलेटिंग टू द कन्वेंशन। आर्टिकल 10 ऑफ UNFCCC के मुताबिक सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसका फंक्शन होगा इन द असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। टाइमलाइन ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, 1994 में UNFCCC को एनफोर्स किया गया। 1995 में पहली COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, ये बर्लिन यानी जर्मनी के शहर में हुई थी। 1997 में तीसरी COP हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये जापान के शहर क्योटो में हुई और क्योटो प्रोटोकॉल को एडॉप्ट किया गया। इन 2001 सिक्स्थ COP हेल्ड इन बोन। बोन इज अ सिटी इन जर्मनी विद गवर्नमेंट्स एग्रीमेंट ऑन द ऑपरेशनल रूल बुक फॉर द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। 2001 में सातवीं COP हुई, ये मराकश में हुई थी, मोरक्को में। इट रिजल्टेड इन द मराकश एकॉर्ड्स, सेटिंग द स्टेज फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। दिस फॉर्मलाइज्ड द एग्रीमेंट ऑन ऑपरेशनल रूल्स फॉर इंटरनेशनल इमिशंस। ट्रेडिंग द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अलोंग विद अ कंप्लायंस रिजीम एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। 2005 में 10th COP हुई और 10th COP में क्योटो प्रोटोकॉल को एनफोर्स किया गया। रशिया ने भी क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया। 2005 में COP 11 भी हुई। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज यानी MOP वो भी 2005 में हुई थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल टेक्स प्लेस इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इन 2006 CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ओपन्स फॉर बिजनेस। इन 2007 13th COP हेल्ड एंड दिस 13th COP पार्टीज एग्रीड ऑन द बाली रोड मैप एंड बाली एक्शन प्लान विच चार्टर्ड द वे टूवर्ड्स अ पोस्ट 2012 आउटकम। द प्लान हैज 5 मेन कैटेगरीज, शेयर्ड विजन, मिटिगेशन, एडाप्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग। In 2009, 15 COP held in Copenhagen and it resulted in Copenhagen Accord. Developed countries pledged up to $30 billion in fast start financing for the period 2010 to 2012. 2010 में 16 COP हुई, ये कैनकॉन यानी मेक्सिको में हुई और ये एक कंप्रेहेंसिव पैकेज था बाय गवर्नमेंट्स टू असिस्ट डेवलपिंग नेशंस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। द ग्रीन क्लाइमेट फंड, द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म एंड द कैनकॉन एडॉप्टेशन फ्रेमवर्क आर एस्टेब्लिश्ड। टू
2011 में 17 सीओपी हुई, ये डर्बन यानी साउथ अफ्रीका में हुई थी। गवर्नमेंट कमिट टू अ न्यू यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट बाय 2015 फॉर द पीरियड बियॉन्ड 2020 रिजल्टेड इन द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015। 2012 में 18 सीओपी और 8 सीएमपी या एमओपी जो दोहा में हुई, इसको दोहा एकॉर्ड भी बोलते हैं, द दोहा एग्रीमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल इज अडॉप्टेड। सीओपी 18 आल्सो लॉन्च्ड अ सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। इन 2013 19 सीओपी हेल्ड इन वारसा पोलैंड। Key decision adopted which advanced the Green Climate Fund and long-term finance. 2015 में 21st COP हुई, ये पेरिस में हुई थी और पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट हुआ था जिसका एम था टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स एंड एंडेवर टू लिमिट देम इवन मोर टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रिच कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प पुअर नेशंस आर डेवलपिंग वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंस टू अडॉप्ट द क्लाइमेट चेंज एंड स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी। द एग्रीमेंट रिक्वायर्स रिच कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज टू मेंटेन अ 100 बिलियन अ ईयर फंडिंग प्लेज बियॉन्ड 2020। 2016 में 22वीं सीओपी हुई, ये मराकश यानी मोरक्को में हुई थी। A crucial outcome of the Marrakesh Climate Conference was writing the rule book of the Paris Agreement, launched the Marrakesh Partnership for Climate Action. Shortcomings. Pehla hai non-inclusive. Most scientists agree that most dangerous environmental air pollutants today are microscopic particulates that come from a car engine and combustion-based power plants. लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल ने इनकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। दूसरा, स्लो प्रोग्रेस। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू ब्रिंग रशिया टू एग्री इनटू पार्टिसिपेटिंग इन द क्योटो प्रोटोकॉल। अनसस्टेनेबल टारगेट्स। The world reached at almost 1 degree Celsius warming post-industrialization and the Paris contribution are not enough to maintain 2 degree Celsius level. Unsatisfactory response. Many countries are good for a tougher target of 1.5 degree centigrade, including leaders of low-lying countries that face unsustainable sea level rises in a warming world. The agreement requires rich nation, developed nation to maintain a 100 billion a year funding pledge beyond 2020, which is not enough as highlighted by several Pacific Island countries. Iski sabse badi shortcoming jo hai wo non-binding agreement hai. यूएस ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ किया। आपको मालूम है जिस भी ट्रीटी में यूएस इन्वॉल्व न हो तो वह नहीं चल सकती। लीग ऑफ नेशन हमारे सामने एक बड़ा मिसाल है। यूएनएफसीसीसी फेल टू परसूड यूएस रेटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल, कीपिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर of greenhouse gases away from commitments. US सबसे ज्यादा greenhouse gases emit करने वाला country है। दूसरा reason, US withdrawal का, US has stopped the payment of extra $2 billion that had been promised into the green climate fund. तो US से इसको फायदा हुआ। No enforcement mechanism. दूसरा, इसको इन्फोर्स करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। जब ये नॉन बाइंडिंग हुआ तो ऑटोमेटिकली इसकी इन्फोर्समेंट का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं होगा। जो रूल्स पर अमल करेगा
तो उसको इनाम नहीं दिया जाएगा, बस उसकी सिर्फ तारीफ होगी। जो अमल नहीं करेगा तो उसके लिए सिर्फ नेम एंड शेम का लफ्ज है डॉक्यूमेंट में और इसकी कोई सजा नहीं है। अचीवमेंट्स, पहला अचीवमेंट है हेल्प टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल ओनली रिक्वायर्ड डेवलप्ड नेशंस टू कट एमिशंस। तीसरा, इंप्रूव्ड कंसिडरेबली ओवर द पास्ट टू डिकेड्स। क्लाइमेट क्राइसिस हैज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली ओवर द पास्ट टू डिकेड्स इन विच UNFCCC प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल। चौथा अचीवमेंट है UNFCCC हैज एनेबल्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंक्रीट एडेप्टेशन एक्टिविटीज अंडर द नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। पांचवा अचीवमेंट है UNFCCC क्रिएटेड इनोवेटिव आइडियाज इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज लाइक द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम CDM को पढ़ेंगे, अंडर विच डेवलपिंग कंट्रीज प्रोजेक्ट्स डेट रिड्यूस एमिशंस अर्न क्रेडिट्स डेट कैन बी सोल्ड टू कंट्रीज और कंपनीज विद अ कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UNFCCC नेशनल गवर्नमेंट हैव इंकर्ज्ड एंड इंक्रीज्ड कोऑपरेशन ऑन द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। UNFCCC support the developing countries in combating climate change by providing a platform for finance, technology transfer, discussion, global partnership, etc. Guys, if you have any question, write in the comment section. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.